आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सीमा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आदाब सीमा जी। हाँ जी, मेरे ना सर्वाइकल है और खून नहीं बनता, पता नहीं क्यों, और वजन भी कम रहता है मेरा। अच्छा, खून पांच और छह रहता है मेरा। एज बता दीजिए अपनी। मेरी अब तो 55 है, लेकिन कम से कम 35 साल की थी मैं, तब से खून बनता नहीं है, उसी से की वजह से सारी कमजोरी रहती है। अच्छा देखिए, जितना आप अपना खून बता रहे हैं इतने पे तो लोग बेहोश हो जाते हैं, पाँच छः यानी सात पर भी लोग बेहोश हो जाते हैं। सात सात पॉइंट अगर होता है, बहुत ख्याल रखा करिए अपना। और मैं आपको एक खून बनाने की दवा और एक सेहत होने की दवा आपको बताता हूँ, और वो अगर आप लेंगे तो एक दो दिन में ही आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले अगर आप चैनल देख रहे थे तो मैंने एक्सरसाइज बताई थी सर्वाइकल के लिए, और वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। सर्वाइकल के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज है कि मैं फिर बताता हूँ, शायद आपने अभी फ़ोन खोला, ये आप हैं, ये बेड है, इस पे बेड पे ऐसे लेट जाइए और ये गर्दन नीचे की तरफ लटका लीजिए। अच्छा, जिधर पैर करते हैं उधर को लेटना है आपको, ये गर्दन इधर लटका लीजिए ऐसे करके, और सीधे लेटे रहिए और पाँच मिनट लेटिए, फिर बाद में पाँच मिनट, ऐसे पांच बार सीधा लेटना है, ठीक है। और दो एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, ऐसे सीधा बैठिए, ये ऐसे दो मिनट रोज़ाना करिए। अगर आप ये करेंगे तो 10 दिन में आपको सर्वाइकल आपका पीछा छोड़ देगा। लगातार करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब आपको एक रॉ मटेरियल है गौंद मोरिंगा, वो 100-200 ग्राम ख़रीद लें, उसका आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दूध में मिलाकर आप पी लिया करिए। ये आप शुरू करेंगे आज से, तो आज से कल से आपको नफ़ा होने लगेगा। सेहत, लीवर, पेट का कब्ज़ और बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे, आपका वज़न बढ़ने लगेगा और सिस्टम ठीक होने लगा पेट का और लीवर का। ये आप शुरू करिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है जुमेरा जी गोवा से, हमारे साथ स्वागत है आपका। हेलो जी। जी हेलो, वालेकुम सलाम, बताइए। आखिर सब रोगी से कम नहीं होता, चलो मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, बीपी की, बीपी हाई होते रहते हैं। बीपी कम नहीं होता ऐसा बोल रहे हैं? हाँ बीपी, हाँ बीपी ज्यादा रहता है और वेट कम नहीं, वेट से कम नहीं होता, इसी है वेट। कब से है? अभी चार तीन चार साल हुआ। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बीपी कम होगा, बीपी कम होगा कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो मोटापा कम होगा। देखिए, नींबू का जूस निकाल लीजिए तकरीबन एक लीटर, नींबू का, अदरक का भी जूस निकालिए एक लीटर और लहसुन का भी निकालिए, और एक लीटर आप लीजिए जैतून का सिरका, जैतून का सिरका एक लीटर लीजिए। इन सबको मिक्स कर दीजिए और ये चार लीटर आपकी एक दवा बन गई। अब आप चाहें तो आधा आधे लीटर की भी बना सकते हैं तो दो लीटर बन जाएगी, लेकिन ये चार लीटर की इसलिए बता रहा हूँ कि ये ख़त्म होने से पहले आपका मर्ज अक्सर काबू में आ जाता है, चर्बी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, दिल पर कोई परेशानी होती है या हार्ट ब्लॉकेज भी अगर है तो वो खुल जाती है। ये एक हज़ारों साल पुराना नुस्खा है और इसे इस्तेमाल करिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं विद्या देवी जी जयपुर से, हमारे साथ स्वागत है आपका। हेलो जी। जी विद्या जी बताइए। हाँ सर, हमारे पति की तबीयत खराब रहती है, उनको नींद नहीं आती और दवाई दे रहे हैं पर दवाई बंद करते ही वापस वही प्रॉब्लम हो जाती है।
क्या नहीं आते डकारे आते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेशन भी हो रहा है क्या? हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब जी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब जी जी आदाब आदाब। और हाँ, क्या हमारे हस्बैंड है उनको, बोलिए बोलिए, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा देखिए, एक उम्र में आकर ये सब परेशानी शुरू होती है, पेट की, डायबिटीज़ की, हजम की, गैस की, बहुत सारी परेशानी है। 40 साल जो उम्र है उसके बाद की उम्र, तो डकारे, एसिडिटी, ये बहुत आसान है ठीक होना, लेकिन आप देसी नुस्खा लीजिए, चाहे तो एलोपैथ भी लीजिए, लेकिन महीने भर मेरा बताया हुआ नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सौंठ अजवाइन ज़ीरा, ये 100-100 ग्राम लीजिए, और 100-150 ग्राम मोरिंगा का गोंद, इनको पाउडर बनाइए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, खाने से पहले खिलाएं पानी के साथ, और 5 गिलास गर्म पानी एक दिन में पिलाएं, कंटिन्यू नहीं, एक ही घंटे में, दो दो घंटे में। अगर ये अमल आप करते हैं तो अव्वल दिन से आपके पति को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, बहुत जल्दी आपके पति को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये देसी अपनाने होंगे। दर्शकों, देखिए, आप लोग एक विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे आप इतनी गर्म दवाइयों का सेवन कर चुके होते हैं, उसके बावजूद भी आप स्वस्थ क्यों नहीं हो पाते हैं। और जब आप कारण जान लेते हैं, जब आप लोग देसी नुस्खे अपना लेते हैं, यूनानी पद्धति से आप लोग जुड़ लेते हैं, आयुर्वेद से जुड़ लेते हैं, और जो बातें हकीम साहब आपको यहाँ पे बताते हैं वो सभी बातें आप लोग फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं वो कम होने लगती हैं। दर्शकों, देखिए, क्योंकि जो उपचार आप लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो आपके रोग पे, जड़ पे जाके काम करते हैं। तो अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो फोन उठाना है दर्शकों, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, बस आप लोगों को बात करनी है, सवाल करना है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ शमा जी हैं बैंगलोर से, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। दर्शकों, देखिए, ये बात आप लोग अगर समझ लेंगे ना कि अब हमें एक सही कार्यक्रम से जुड़ना है, एक सही उपचार हमें अपनाना है, तो फिर आप लोगों को डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, एक एक बात नोट डाउन आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग एक एक बात को फॉलो करेंगे तो फिर देखिएगा आपके जीवन में, आपके शरीर में, और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, परहेज करने हैं, और एक एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हकीम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो फिट रहे, चुस्त तंदुरुस्त रहे, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, लेकिन चाहते ना चाहते हमारा खान पीना ऐसा हो जाता है कि हम बाहर की चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, बाहर के मसाले हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग बाहर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बाहर का खान पान करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, बदनसीब हैं वो लोग जी जिनके माँ बाप, बहन और पत्नी, ये जो घर के बड़े रिश्ते हैं, अजीम रिश्ते हैं, वो घर में खाना बनाएं और बाहर का हम लोग खा के आएँ, तो वो लोगों को मैं बदनसीब कहता हूँ। तो माँ जैसी बड़ी शख्सियत, बहन जैसी, पत्नी जैसी, वो घर में प्यार से खाना बनाए और वो बाहर का खाना खाते हैं, मेरे लिए वो बदनसीबी है। बहरहाल, लोग इसको अच्छा भी समझ सकते हैं। घर में मसाला न पीसना और घर से बाहर से पिसे पिसाए मसाले लाना भी ऐसा ही है जैसे हम अपने बच्चों को बाहर का खाना खिला रहे हैं। ये मसाले जो आपके घर में किचन में धनिया नज़र आता है, ये धनिया बहुत कीमती चीज़ है, ये आपको थायराइड नहीं होने देता, लेकिन असली तो होना चाहिए। ये जो दालचीनी है, ये बहुत कीमती चीज़ है, ये आपको डायबिटीज़ नहीं होने देती, लेकिन आप
कि मसाले में वो असली होनी तो चाहिए। ये धनिया आपके पेट में कब्ज नहीं होने देता, फजलात को आगे भगाता है। ये जो आपके लहसुन है, ये चर्बी इकट्ठी नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। ये जो अदरक है, ये आपके लीवर को बड़ा ख्याल रखता है। हर चीज़ ऐसी है, लेकिन वो असली होनी चाहिए। तो आप घर के खाना और घर के पिसे मसाले का खाना छोड़कर बाहर का खाना, मेरी नज़र में, माफ़ कीजिएगा, बदनसीबी है। घर का खाना खाना बेहतर है। बिल्कुल हकीम साहब जी, कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका इंतजार खत्म करते हैं, बात कर लेते हैं। कैलाश जी हैं झांसी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी जी, फरमाइए। हाँ हकीम साहब नमस्कार, आदाब साहब। आदाब आदाब, कैसे हैं जनाब जी? ठीक है, थोड़ा एक हफ्ते से करीब गले में खराश सी रहती है अभी, मतलब जो है ठीक है, मतलब हमने अभी कोई एंटीबायोटिक तो ली नहीं, मतलब जो है दवाइयाँ, ठीक है ठीक है। बस ये नमक के पानी की गरारे करते हैं और थोड़ा स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, मतलब जो है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और सबको अपने परिवार वालों को बताइए कि इस वक्त गर्म पानी के गरारे सोने से, गोल्ड से ज़्यादा कीमती हैं। और आपको सही किसी ने मशवरा दिया है, और मैं इसमें ज़रा सा इजाफा कर दूं कि 5 बार गर्म पानी पिया करिए, गर्मा गर्म पानी। जैसे हम चाय पीते हैं, मैं तो ऐसा पानी पीता हूँ जैसे चाय पीते, चुस्कियाँ ले कर चाय की तरह। जिस शख्स ने ये 5 गिलास पानी पिया, उसको ये जो महामारी चल रही है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो 5 गिलास पानी जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो पिया करें। और आपके अगर खराश हो गई है तो पीपलें होती हैं आपके किचन में, आपको नहीं पता होता, अपनी धर्मपत्नी या मम्मी से पूछिए। पीपलें एक लंबी लंबी होती हैं, 2 इंच के करीब की, बड़ी खूबसूरत सी, उसका चने के बराबर टुकड़ा तोड़िए, मुँह में रखिए, चूसते रहिए और उसे चबा के खा लीजिए, और फिर गर्म पानी पी लीजिए। तो आप 2-4 दिन करेंगे, आपकी ये बीमारी भी जाती रहेगी। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा जी, गोवा से हमारे साथ, स्वागत है पुष्पा जी आपका। चलिए लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? टेक्नीशियन बोल रहा हूँ, पांच हफ्ते जी। हाँ बताइए, बताइए सवाल बताइए। बताइए विकास। हाँ जी सर, मैं जल्दी ले रहा हूँ ना, या उस तक पहुँच जाते हैं एक बार? आपकी समझ में जी, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही, एक बार आप दोबारा से पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं पानीपत से लक्ष्मीगंज बोल रहा हूँ। मैं जैसे ही देखता हूँ रकीम साहब फिर घूम जाता है, और जैसे उठता हूँ तब एकदम फिर घूम। ठीक है ठीक है, देखिए आपका सवाल हम तक पहुँच गया। अब आपको अभी से शुरू कर दीजिए एक एक्सरसाइज, और खूब गौर से मेरी एक्सरसाइज देखिए, और चाहें तो वीडियो बना लीजिए मेरी, क्योंकि फिर याद नहीं रहता। देखिए ऐसे सीधा बैठेंगे आप, परिवार में किसी पास सेलफोन हो तो वीडियो बना लीजिए, आपके काम आएगी। देखिए ये ऐसे सीधा बैठ के ये कान आप अपने मोंडे से लगाइए, मोंडा कान से नहीं लगाना, कुछ लोग मोंडा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ये कान ऐसे मोंडे से लगाना, 2 मिनट करना, 1-1 मिनट करके 2 मिनट कर लीजिए, आधा आधा मिनट करके 4 बार कर लीजिए, दिन में ये करते रहिए, एक तो ये और एक ये, खूब ज़ोर से इसे यहाँ मिला दीजिए और यहाँ देखिए ऐसे, ये भी 2 मिनट करिए। ये अगर आपने अभी से शुरू किया तो आज से 8वें या 10वें दिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल हो जाएं तो दूसरे लोगों को भी ये एक्सरसाइज बताइए, ये बहुत कीमती है, बगैर दवा के आपका ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है रामबली जी, हरदोई से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार जी, आदाब आदाब, कैसे हैं रामबली जी? ठीक हैं बिल्कुल। बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है कि हमारा पौत्र है, पौत्र मींस ग्रैंडसन। जी जी। हेलो जी जी, मैं यूपी से समझता हूँ। अच्छा तब तो ठीक है, तो उसकी उम्र है 14वीं में चल रहा है, ठीक है।
वेट उसका जो है वो 98 केजी है। ठीक है। हाँ, तो उसका वेट कैसे कम हो, क्या घरेलू उपचार किया जाए, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कद बता दीजिए उसका कितना है, लंबाई कितनी है? लंबाई उसकी 5 फीट से कम है। ठीक है। तो देखिए, दवाएं तो किसी से भी कहेंगे वो बता देगा, दे देगा, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन दो बातें अगर आपने की तो बग़ैर दवा के भी वो बच्चा ठीक हो सकता है। एक तो ये कि जब भी पिए गर्म पानी पिए, दिन में 10 गिलास गर्म पानी से पीना है, और 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलना है, वेजिटेबल ऑयल खाना है, यानी दूध भी नहीं, एनिमल फैट से बचना है, दूध से भी, दूध एनिमल फैट में, मस्के में यानी मक्खन में भी होता है, घी में भी होता है, एनिमल फैट से बचना है। और ये जो आपका दालचीनी है, दालचीनी गर्म पानी करके उसमें डाल दीजिए, वो पानी वो इतना गर्म हो कि चुस्कियाँ लेके पी सके, तो वो फिर आप उसे पिलाया करिए दिन में कई बार, और 10 गिलास गर्म पानी पिलाइए, पैदल जितना हो सके चलाइए, जितना खाना खाता है, अगर वो 4 रोटी खाता है तो उसकी 2 रोटी कर दीजिए एक टाइम में, आप देखेंगे 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न कम हो सकता है।